इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग 54,000 करोड़ रुपीज, करीब 54,000 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजेज में है। बहुत जल्द तीसरी लिस्ट भी आने वाली है। ये दिखाता है कि हम देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है।